हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने अपनी चाची पर क्रिएट किया है फैमिली फंक्शन मेकअप लुक। आई होप यू ऑल लाइक इट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओरिफ्लेम मिल्क एंड हनी मॉइस्चराइजर यूज़ किया है, जिससे उनकी जो स्किन है वो मॉइस्चराइज हो जाए। अब मैंने आई एम्स्टरडैम का प्राइमर लगाया है, जिससे उनके जो पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे और स्किन उनकी स्मूथ हो जाएगी, जिससे जो फाउंडेशन हम लगाते हैं वो केकी नहीं लगेगा। आईब्रो लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैंने NYB लिक्विड कंसीलर यूज़ किया है। आईब्रो फिलिंग के लिए मैंने स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल लिया है, जिसका शेड नंबर है 104 लाइट ब्राउन, और ब्लैक आई शेडो भी मैंने मर्ज कर दिया है। आईब्रोज फिलिंग के बाद आईज पर कंसीलर लगाया और उसे लुक्स यूनाइटेड कॉस्मेटिक ब्लेंडर से मैंने ब्लेंड कर लिया है। उसे सेट करने के लिए मैंने लैक में रोज पाउडर लिया है, जिसका शेड नंबर है 02। अब मैंने मेकअप रिवॉल्यूशन क्रिएटिव वॉल्यूम 1 आई शेडो पैलेट से ब्राउन शेड पिक किया है। और आईज पे उसे ब्लेंड कर दिया है और फिर एक गोल्डन शेड लिया है। डे फंक्शन लुक है तो इसलिए मैंने लाइट मेकअप प्रिफर किया है। आईलाइनर के लिए मैंने लैक्मे इंस्टा आईलाइनर ब्लैक लिया है, जिसे मैंने एक 0 नंबर के ब्रश पे लेकर उसे ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर मैंने लोअर लैशेस पे भी हल्का आईलाइनर लगाया है और ब्लैक आई शेडो लेकर उसे मर्ज कर दे रही हूँ। ये फेसेस कैनेडा मैग्नेट आईज काजल शेड नंबर ब्लैक 01 है, जिसे मैं सीक्रेट लाइन पे लगा रही हूँ और वाटर लाइन पे भी लगा दूंगी। यहाँ मैं मेबलिन फिट मी फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, जिसे आप अपने स्किन टोन के हिसाब से चूज कर सकते हो। फाउंडेशन को लॉक करने के लिए मैंने फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है और उसे पूरे फेस पे मैंने लगा दिया है। और आई मेकअप के बाद
मैंने आईलैश कलर और मस्कारा भी यूज़ किया था, बट वीडियो बनाना भूल गई, तो आप उसे लिंक में चेक कर लेना एक बार। हाइलाइटर के लिए मैंने शिवाना प्रोफेशनल हाइलाइटर यूज़ किया है। इसे आप अपने फोरहेड, चिकबोन, नोज पे, लिप्स के ऊपर और अपने चिन पे ब्लेंड कर लें। लिपस्टिक के लिए मैंने ओरिफ्लेम जो कि शेड मैग्नेटिक मैजेंटा में है और ये सेमी मैट लिपस्टिक है। लास्ट में स्विस ब्यूटी मेकअप फिक्सर से मैंने मेकअप को लॉक कर दिया है। इस लुक पे मैंने कर्ल किया है और कर्लर की जगह मैंने फिलिप्स का स्ट्रेटनर यूज़ किया है। और इसके बाद लुक कंप्लीट हो गया है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा लगा।